ब्लैक बक सप्लीमेंट्री रीडर यस फ्रेंड्स इस्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिस सेकेंड लैंग्वेज सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक हाँ दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दसवीं हिंदी मीडियम गुजरात बोर्ड और गुजराती मीडियम गुजरात बोर्ड के जो विद्यार्थियों के लिए इंग्लिस की जो सप्लीमेंट्री रीडिंग की बुक चलती है जिसका नाम है ब्लैक बक ब्लैक काला हिरण इस में जो स्टोरीज हैं उसकी पहली स्टोरी ब्लैक ब्यूटी ऑफ वेला बदार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द रीड वन द ब्लैक ब्यूटी ऑफ वेला बदार यस yes, दोस्तों हम लोग सप्लीमेंट्री रीडिंग का पहला लेसन पढ़ रहे हैं द ब्लैक ब्यूटी ऑफ वेला बदार क्या है ये ब्लैक ब्यूटी ऑफ वेला बदार यहाँ पर जैसा कि आपको पता है सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक का ही नाम है ब्लैक बक ब्लैक बक का मतलब होता है काला हिरण कुछ दिन पहले आपने सुना होगा था सलमान खान के ऊपर किसी ब्लैक बक काले हिरण का हंटिंग का शिकार करने के लिए उनके ऊपर केस चल रहा था यस yes, क्यों इम्पोर्टेंट है इतने ब्लैक बक क्या खासियत है इन ब्लैक बक का जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों नए हैं तो लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें शेयर कर दें और घंटी बजा दें दोस्तों मैं हूँ दिलीप सर स्वागत करता हूँ आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जानना चाहेंगे कि ब्लैक बक ये काले हिरण क्या है एग्ज़ाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है थर्टीन मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से तो देखते हैं ब्लैक बक क्या है लेस स्टार्ट द चैप्टर ब्लैक बक इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द एंटीलोप्स ब्लैक बक काला हिरण इज़ द फास्टेस्ट सबसे तेज है ऑफ ऑल द एंटीलोप एंटीलोप ब्रैकेट में मीनिंग भी दिया है जिसका मतलब है डियर सारी हिरणों में सबसे तेज भागने वाला होता है ये काला हिरण ब्लैक बक इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एंटीलोप जितने भी हिरण हैं सारे हिरणों में सबसे तेज भागने वाला होता है सबसे तेज कौन है ब्लैक बक है इट इज़ फाउंड मेनली इन इंडिया इट इज़ फाउंड यह पाया जाता है मेनली मुख्य रूप से इन in इंडिया भारत में या मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है बट आल्सो इन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान नेपाल एंड सम अदर कंट्रीज बट आल्सो इन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान किंतु पाकिस्तान के हिस्सों में भी नेपाल में भी एंड सम अदर कंट्रीज और कुछ दूसरे देशों में भी ये ब्लैक बक काला हिरण मिलता है लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पे मिलता है भारत में मिलता है इन इंडिया इट इज़ फाउंड मेनली इन महाराष्ट्र ओडिशा पंजाब राजस्थान हरियाणा गुजरात आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एंड कर्नाटका इन इंडिया भारत में इट इज़ फाउंड मेनली इट इज़ फाउंड यह पाया जाता है मेनली मुख्य रूप से महाराष्ट्र में उड़ीसा में पंजाब में राजस्थान में हरियाणा में गुजरात में आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में और कर्नाटक में इन गुजरात ब्लैक बक आर सीन इन सौराष्ट्र गुजरात में जो ब्लैक बक हैं वो कहाँ मिलते हैं सौराष्ट्र में देखे जाते हैं सौराष्ट्र में पाए जाते हैं इट्स ओरिजिनल हैबिटेट इज ओपन प्लेन नॉट डेंस जंगल्स यस इट्स इट्स ओरिजिनल ओरिजिनल मूल रूप से हैबिटेस निवास स्थान लिविंग प्लेस इट्स ओपन प्लेन खुले मैदान हैं नॉट डेंस जंगल डेंस जंगल्स थिक फॉरेस्ट इसका जो निवास स्थान है वो क्या है बच्चों इट्स ओरिजिनल हैबिटेड इसका जो मूल निवास स्थान है वो खुले मैदान है न कि घने जंगल देर इज द फेमस ब्लैक नेशनल पार्क एट बेला बदार इन भाल रीजन ऑफ सौराष्ट्र देर इज़ अ फेमस ब्लैक बक नेशनल पार्क फेमस प्रसिद्ध वेल नोन ब्लैक बक नेशनल पार्क काले हिरण का राष्ट्रीय उद्यान है वेला बदार के भाल क्षेत्र में सौराष्ट्र के देर इज़ द फेमस ब्लैक बक नेशनल पार्क एट वेला बदार इन भाल रीजन ऑफ सौराष्ट्र इन भाल रीजन ऑफ सौराष्ट्र सौराष्ट्र के भाल क्षेत्र में वेला बादार में एक प्रसिद्ध ब्लैक बक कार्य हिरणों का नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान है लेट्स नो समथिंग अबाउट द ब्लैक बक नेशनल पार्क एट वेलाबदार। लेट्स नो चलो जानते हैं समथिंग कुछ अबाउट द ब्लैक बक नेशनल पार्क एट वेलाबदार। वेलाबदार में जो ब्लैक बक के लिए काले हिरणों के राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में चलो कुछ जानते हैं क्या जानेंगे ब्लैक बक नेशनल पार्क एट वेला इज सिचुएटेड इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात जो ब्लैक बक नेशनल पार्क है वेला बदार में इस सिचुएटेड लोकेटेड स्थित है इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट इंडिया भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले के वेला बदार में स्थित है ब्लैक बक नेशनल पार्क इस्टाब्लिश इन 1976 इन भार रीजन ऑफ सौराष्ट्र इस्टाब्लिश संस्थापित कब किया गया था 1976 में भाल रीजन ऑफ सौराष्ट्र सौराष्ट्र के भाल क्षेत्र में 1976 में बनाया गया था निर्मित किया गया था फाउंडेड स्थापना की गई थी किसकी इस ब्लैक नेशनल ब्लैक बक नेशनल पार्क की वाला में भाल क्षेत्र में द पार्क इज़ लोकेटेड अराउंड 72 टू किलोमीटर फ्राम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर सिटी अभावनगर द पार्क इज लोकेटेड लोकेटेड सिचुएटेड स्थित है बहत्तर किलोमीटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडवाड़ सिटी यानी भावनगर शहर का जो मुख्यालय है ज़िले का मुख्यालय है वहाँ से बहत्तर किलोमीटर की दूरी पर यह नेशनल पार्क ब्लैक बग का जो नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान है वो भाल भावनगर के शहर के मुख्यालय से बहत्तर किलोमीटर की दूरी पर क्या है स्थित है थ्रू दो द पार्क इज़ ओपन थ्रू आउट द ईयर दो यद्यप द पार्क इज़ ओपन पार्क खुला रहता है थ्रू आउट द ईयर पूरे वर्ष के दरमियान यह राष्ट्रीय उद्यान खुला रहता है बट द पीरियड बिटवीन मानसून एंड विंटर नॉर्मली मिड जून टू मार्च इंड इज़ गुड पीरियड टू सी द ब्लैक बग यद्यप ये जो राष्ट्रीय उद्यान है पूरे वर्ष दरमियान पूरे वर्ष भर खुला रहता है लेकिन सबसे अच्छा समय है मानसून बारिश का जो मौसम होता है चार महीने होते हैं चौमासा के और विंटर नॉर्मली सामान्य रूप से सर्दियों का मौसम मिड जून टू मार्च इन मध्य जून से लेकर मार्च के अंत तक इज़ गुड पीरियड अच्छा समय होता है टू सी द ब्लैकबर्ग इन काले हिरणों को देखने का The best time to visit Vela Badar National Park is from December to March because many species of migratory birds, which include three species of harriers, laser, florican, eagles, wadders, and many other water birds, arrive to spend winter. The best time to visit Vela Badar National Park. सबसे अच्छा समय है वेला बदार नेशनल पार्क की मुलाकात लेने का दिसंबर टू मार्च दिसंबर से मार्च महीने का क्यों बिकॉज मेनी स्पीसीज ऑफ़ माइग्रेटरी बर्ड्स मेनी स्पीसीज बहुत सी प्रजातियाँ किसकी माइग्रेटरी बर्ड्स प्रवासी पक्षियों की बहुत सी जातियाँ बहुत सी प्रजातियाँ विच इंक्लूड थ्री स्पीसीज ऑफ हैरियर्स इंक्लूड मैंने शामिल हैं थ्री स्पीसीज ऑफ हैरियर्स, हेरियर पक्षी की लेजर फ्लोरिकेन की ईगल्स चीलों की वेडर्स एंड मेनी अदर बर्ड्स अराइव टू स्टिन और बहुत सी दूसरी जल वाली चिड़ियाँ अराइव आ जाती हैं तो स्पेंड विंटर यहाँ सर्दियाँ बिताने के लिए आ जाती हैं इसीलिए कहा दिसंबर से मार्च का जो टाइम है वो सबसे अच्छा टाइम होता है वेला बाजार नेशनल पार्क की मुलाकात लेने का क्योंकि बहुत सी प्रवासी पक्षियाँ जिसमें तीन जातियाँ शामिल है, हैरियर्स पक्षी की लेजर फ्लोरिकन की ईगल्स की वेडर्स की और दूसरी पानी वाली बहुत सी चिड़िया यहाँ पर सर्दियाँ बिताने के लिए आ जाती हैं यानी हम जाएंगे वेलाबदार नेशनल पार्क में ब्लैक बक काले हिरणों को देखने और साथ में देख लेंगे बहुत सी माइग्रेटरी बर्ड्स को बहुत से प्रवासी पक्षियों को ये प्रवासी पक्षियों फ्रेंड्स दूसरे दूसरे कंट्रीज से हमारी कंट्रीज़ में आ जाते हैं भावनगर एयरपोर्ट इज़ कनेक्टेड विद द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ मुंबई एंड अहमदाबाद विद द डेली फ्लाइट फ्रिक्वेंसी भावनगर एयरपोर्ट जो भावनगर का हवाई अड्डा है इस कनेक्टेड जुड़ा हुआ है विद द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ मुंबई एंड अहमदाबाद अहमदाबाद और मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है भावनगर का हवाई अड्डा विद डेली फ्लाइट फ्रिक्वेंसी यानी रोज़ फ्लाइट फ्रिक्वेंसी यानी हर दिन हवाई जहाज़ आती और जाती हैं द क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ एट द टाउन ऑफ धसा सबसे नज़दीक का जो रेलवे स्टेशन है वो धसा कस्बे का है विच इज़ अबाउट फिफ्टी किलोमीटर फ्राम द पार्क जो पचास से लगभग जो पार्क से लगभग पचास किलोमीटर की दूरी पर आया है हिस्टोरिकल टाउन ऑफ वल्लभीपुर इज़ अबाउट थर्टी किलोमीटर अवे द हिस्टोरिकल टाउन ऑफ वल्लभीपुर वल्लभीपुर कस्बा जो ऐतिहासिक कस्बा है जो यहाँ से तीस किलोमीटर की दूरी पर है कहाँ से ये जो टाउन धसा है स्टेशन से सबसे नज़दीक का क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन है धसा टाउन में वहाँ से तीस किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक टाउन है ऐतिहासिक कस्बा है बल्लभीपुर बल्लभीपुर का चले द ब्लैक बिक इज़ आल्सो नोन एज कृष्ण जिंका इन तेलुगू लैंग्वेज तेलुगु भाषा में ब्लैक बक को काले हिरण को कृष्ण जिंका के नाम से जानते हैं इट हैज़ बीन डिक्लेयर द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश इट हैज़ बीन डिक्लेयर इसे घोषित किया जा चुका है स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय पशु के रूप में ब्लैक बक को क्या किया गया है आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है अदर लोकल नेम्स फॉर द स्पेसीज इन जातियों के दूसरे क्षेत्रीय जो नाम हैं इंक्लूड इसमें शामिल है काला हिरण सचिन इर्ई मान कृष्ण इन कन्नड़ एंड कालवीत इन मराठी ये नाम हैं कृष्ण कन्नड़ में हैं देखो ये बहुत सारे नाम हैं अदर लोकल नेम्स फॉर द स्पीसीज इंक्लूड काला हिरण इन जातियों की जो जातियाँ हैं प्रजातियाँ हैं इनके दूसरे जो नाम हैं उसमें शामिल है काला हिरण ससिन इर्ईमान कृष्ण इन कन्नड़ कन्नड़ में एंड कालवित इन मराठी और मराठी में इसको कालवित के नाम से बुलाते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी ब्लैक बक आर कृष्ण जिंका इज कंसिडर एज द व्हीकल ऑफ़ द गॉड इज मून अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार माइथोलॉजी पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्लैक बक काले हिरण या कृष्ण जिंका को इज कंसिडर्ड माना जाता है एज द व्हीकल ऑफ गॉड इज मून देवी चंद्रमा का वाहन माना जाता है कृष्ण जी का काले हिरण को अकॉर्डिंग टू द गरुण पुराण गरुण पुराण के अनुसार कृष्ण जी का ब्रिंग्स प्रॉस्पर्टी इन द एरिया वेयर दे लिव कृष्ण जी का काले हिरण संपन्नता लाते हैं प्रॉस्पर्टी संपन्नता समृद्धि लाते हैं इन द एरियाज वेयर दे जिन क्षेत्रों में वो रहते हैं द ब्लैक बक इज फेमर फेमस फॉर इट्स स्पायरल हार्ड ये काले हिरण हैं फेमस किस लिए होते हैं फॉर इट्स स्पाइरल हॉर् इनकी चक्राकार घुमावदार सींगों के लिए क्या होते हैं प्रसिद्ध होते हैं जैसा कि आप चित्र में यहाँ देख सकते हो कि ब्लैक बग की किस तरह से चक्राकार घुमावदार सिंग है द डिस्टिंग ट्यू हॉर्न्स ऑफ द ब्लैक बग आर रिंग विथ वन आर टू फोर वन टू फोर स्पाइर टर्न्स एक और खास बात है द डिस्टिंग ट्यू डिस्टिंग माने डिफरेंट टाइप का जो अलग तरह की इनकी सींग होती है ब्लैक बक की आर रिंगड छल्ले बने होते हैं चक्राकार होती हैं विथ वन टू आर स्पाइरल टर्न एक या दो एक से लेकर चार तक घुमावदार मोड़ के साथ इनमें चक्राकार रिंग्स बनी होती हैं जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो ये लहरदार घुमावदार इनकी सिंगे हैं जिसमें एक से लेकर चार तक क्या रहते हैं स्पाइरल टर्न होते हैं घुमाव होते हैं दे कैन बी एज लॉन्ग एज ट्वेंटी एट इंचज अट्ठाईस इंच तक लंबी हो सकती हैं इन द मेल जो नर होता है द अपर बॉडी इज़ ब्लैक जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं जो उनका ऊपर शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है वह काला होता है एंड द बेली एंड आई रिंग्स आर वाइट पेट और रिंग्स और आँख के चारों ओर का जो इलाका है क्षेत्र वो कैसा होता है वाइट होता है सफ़ेद होता है जैसा आप चित्र में देख सकते हो द लाइट ब्राउन फीमेल इज यूजली हॉर्नलेस द लाइट ब्राउन हल्की भूरे रंग की जो मादा होती है सामान्य रूप से बिना सिंग वाली होती है ब्लैक बक यूजली रोम ऑन द प्लेन इन दर्ड आप फिफ्टीन टू ट्वेंटी एनिमल्स विथ वन मेल लीडर ब्लैक बक जो काले हिरण होते हैं यूजअली सामान्य रूप से रोम टहलते हैं घूमते हैं ऑन द प्लेन मैदानों में इन हर्ट्स झुंड में आप फिफ्टीन टू ट्वेंटी पंद्रह से बीस जानवरों के साथ झुंड में घूमते हैं विथ वन में लीडर और इनके साथ एक पुरुष नेता लीडर रहता है ऑन द ओपन प्लेन द ब्लैक बक इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल्स एंड कैन आउट रन मोस्ट प्रिडिटर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन द ओपन प्लेन खुले मैदान में द ब्लैक बक इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल सबसे तेज़ दौड़ने वाले प्राणियों में से एक है एंड कैन आउट रन मोस्ट प्रिडर प्रिडिटर माने शिकारी जो हैं किलर्स हैं उन सबसे ज़्यादा तेज दौड़ सकता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी तक इट कैन रन 80 मील पर आवर फे नेसेसरी जब जरूरी हो तो यह 80 मील की रफ्तार से दौड़ सकता है विच इज़ विच इज़ सेट टू बी द्रेट फॉर द ब्लैक बग चीता विच इज़ सेट टू बी थ्रेट फार द ब्लैक बग जैसे कि हमने सुना है कि चीता फास्टेस्ट एनिमल है जो इसके लिए सेट टू माना जाता है थ्रेट खतरा फॉर द ब्लैक बग ब्लैक बग के लिए खतरा डेंजर माना जाता है अदर वाइल्ड एनिमल्स सच एज वॉल्फ्स एंड वाइल्ड डॉग्स आर सुप्रिय अपन द ब्लैक बग अदर वाइल्ड एनिमल्स दूसरे जंगली जानवर सच एज वॉल्फ्स जैसे कि भेड़िए वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते आल आलशु प्रेपान यानी इनका शिकार करते हैं इन्हें भोजन के लिए मार डालते हैं द ब्लैक बक काले हेड़ों को यानि दूसरे जंगली जानवर जैसे कि भेड़िए जंगली कुत्ते भी इनका शिकार करते हैं अपने भोजन के लिए काले हेड़ों का क्या करते हैं शिकार करते हैं द ब्लैक बक की जो बोर हर बोर यानी घास खाने वाले प्राणी हैं इट लिव्स ऑन ग्रास प्लांट्स फ्लावर्स एंड फ्रूट ये अपना जीवन किस पर बिताते हैं क्या खा के बिताते हैं घास पौधे और फूलों और फलों को खा के बिताते हैं द मैक्सिमम लाइफ स्पेन रिकॉर्डेड इज अबाउट सिक्सटीन ईयर्स द मैक्सिमम लाइफ स्पेन मैक्मम ने अधिकतम लाइफ स्पेन आयुकाल रिकॉर्डेड जो संग्रहित की गई है इज अबाउट सिक्सटीन ईयर सोलह साल यानी जो सबसे मैक्सिमम अधिकतम इनका आयुकाल है जो संग्रहित किया गया वो लगभग कितने साल का है सोलह साल मतलब इन ब्लैक बक मैक्सिमम कितने साल तक जीवित होते हैं सोलह साल तक द ब्लैक बक इज़ हंटेड फॉर इट्स फ्लैश एंड स्किन ब्लैक बक को इसके मांस और त्वचा के लिए उसका शिकार किया जाता है फ्लैश मीट मांस के लिए और उसकी त्वचा के लिए आल दो इंडियन ला स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स द हंटिंग ऑफ दीज इनडेंजर एनिमल्स आल दो यद्यप इंडियन ला भारतीय कानून स्ट्रिक्टली कड़क रूप से प्रोहिबिट निषेध करता है द हंटिंग ऑफ दीज इंडेंजर इन खतरे की कगार पर पहुँचे हुए भय वाले प्राणियों को जो मृत्यु की कगार पर हैं उनको उनका शिकार करने के लिए स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली बहुत ही कड़क रूप से निषेध करता है इन जानवरों का शिकार करने के लिए देयर आर स्टिल ऑकेशनल इंसिडेंट्स ऑफ पोचिंग फिर भी ऑकेशनल कभी कभार ऐसी घटनाएं आती रहती हैं जिनमें हिरणों को कोई पकड़ता है और मार डालता है द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ब्लैक बर्क इज़ टेकन अवे बाई ह्यूमन बींग for domesticated कैटल or बिल्डिंग houses the नेचुरल हैबिटेट ऑफ the ब्लैक बर्ग इन काले हिरणों का जो प्राकृतिक आवास है इस टे के नवे छीन लिया गया है इंसानों के द्वारा फार डोमेस्टिकेटेड कैटल पशुओं को पालने के लिए बिल्डिंग हाउसेस, घरों को बनाने के लिए उनके द्वारा छीन लिया गया है लाइक मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स दूसरे जंगली जानवरों की तरह द ब्लैक इज इन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड इन इंडिया बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जंगली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानून जो उन्नीस है उस सिद्धांत के अंतर्गत ब्लैक बग भी प्रोटेक्ट संरक्षित किए हुए जानवर हैं ज़्यादातर जंगली जानवरों की तरह फ्रेंड्स यू मस्ट है ब्लैक बर्ग ऑन द पोस्टल स्टैंप ऑफ इंडिया पोस्टल स्टैम्प ऑफ इंडिया भारत का जो डाक टिकट होता है उस पर भी दोस्तों आपने ब्लैक बक के चित्र को देखा होगा बट नाव विजिट समडे वेला बदार ब्लैक नेशनल पार्क एंड एन्जॉय वाचिंग ब्लैक बक्स एंड अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स इन नेचुरल सराउंडिंग बट लेकिन नाव विजिट समे किंतु अब किसी दिन वेला बदार ब्लैक नेशनल ब्लैक बक का जो नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान है काले हृणों का वहाँ पर आएँ एंड एन्जॉय वाचिंग ब्लैक बक और काले हिरणों को देखने का आनंद उठाएं और दूसरे प्राणी और पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास के साथ देखने का क्या करें आनंद उठाएं तो यस फ्रेंड इस तरह से हमने देखा कि ब्लैक बक्स आंध्र प्रदेश का के हैं कौन से हैं बच्चे राष्ट्रीय पशु हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं इनकी क्या खूबसूरती है हम सब ने सीख लिया थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय बाय सी इन द नेक्स्ट